आज मैं बात करूंगी मसों के बारे में, यानी वार्ड्स के बारे में। मसे जिन्हें इंग्लिश में वार्ड्स भी कहते हैं, आज हम जानेंगे ये क्यों होते हैं, इनके क्या लक्षण हैं, क्या वजह होती है कि बार बार ठीक होने के बाद भी फिर से आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, और कोई भी घरेलू उपचार या फिर एलोपैथिक दवाइयाँ इसके लिए उपयोगी या असरदार नहीं होती हैं। दोस्तों, मसों का होना या फिर बोलो तो वार्ड्स का होना एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ये मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पायल हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ, और अगर आप कहीं से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्सों के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मस्सों के टाइप के बारे में। दोस्तों, ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं और बॉडी के किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपके फेस पे, नेक पे या आईलिड्स पे मस्से हैं तो इन्हें हम कॉमन वार्ड्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपके हाथों पे या फिर तलवों में मस्से प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें पाल्मोप्लांटर वार्ड्स भी कहते हैं। दोस्तों, जो पाल्मोप्लांटर वार्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलते हैं जो कि चिकन, मटन वगैरह, नॉन वेज की दुकान पे मीट काटने का काम ज़्यादा करते हैं। ये उन लोगों में कॉमन होते हैं। जेनाइटल वार्ट, सिस्टिक वार्ट और फ्लैट वार्ट्स भी वार्ट्स के टाइप होते हैं। दोस्तों, मैं अपने आने वाली वीडियो में इन सभी वार्ट्स के ऊपर आपको अलग अलग जानकारियाँ दूंगी और बताऊंगी इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं मस्से क्यों होते हैं। दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी के लो होने की वजह से ये आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, और या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, स्ट्रेसफुल कंडीशन होने की वजह से ये आपको देखने को मिलते हैं, आपकी बॉडी में आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी ये आपके शरीर में हो सकते हैं। तो ये मेन कारण होते हैं मस्सों के आने के। दोस्तों, क्या होता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है वो आपकी स्किन की ऊपर की जो स्किन होती है उसे इन्फेक्ट करता है, उस पर अटैक करता है, और धीरे धीरे उसके जरिए आपकी भीतर की स्किन के अंदर घुस जाता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जो इन्फेक्टेड स्किन होती है वो ऊपर की तरफ एक उभार सा बनाना शुरू कर देती है, जो कि थोड़े टाइम में मस्सों का आकार ले लेता है। बहुत सारे ऐसे वार्ड्स होते हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये लंबे टाइम से आपकी स्किन पर प्रेजेंट है तो इनका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स और लक्षण के बारे में, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, ये देखने में खुरदरे या फिर मुलायम भी हो सकते हैं। ये ऊपर की तरफ एक ओवरग्रोथ की तरह दिखाई देते हैं, या और इनका रंग गुलाबी, लाल, भूरा या फिर सफ़ेद भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो मस्से पेनलेस होते हैं, इनमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर ये आपकी किसी ऐसी लोकेशन पे प्रेजेंट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है तो ये आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं। जैसे आपके तलवों में होना, अगर आप चलेंगे और उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये आपको दर्द भी दे सकते हैं।
दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों हमारी होम्योपैथी में मस्सों के लिए एक बहुत ही उपयोगी और असरदार मेडिसिन अवेलेबल है, जिसे हम थ्यूजा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर मस्सों के लिए। बहुत से लोग इससे ठीक होते हैं, लेकिन कई बार अगर आपको लगता है कि थ्यूजा इफेक्टिव नहीं है, तो आप उसके साथ कॉस्टिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिकम भी मस्सों के लिए एक बहुत ही असरदार मेडिसिन है। इनके साथ साथ दोस्तों हमारी होम्योपैथी में और भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मस्सों के लिए, जैसे कि मेडोरेनम, नाइट्रिक एसिड आदि। इनके साथ साथ दोस्तों आप थूजा मदर टिंचर या फिर थूजा ऑइंटमेंट का एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं अपने मस्सों के लिए। ये ऑइंटमेंट और मदर टिंचर भी बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे बहुत टाइप के मस्से ठीक होते हैं। दोस्तों अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप और भी ज़्यादा जानकारियाँ हासिल कर सकें। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर से जुड़कर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।